हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा थाईलैंड वीजा ऑन अराइवल, टूरिस्ट वीजा और थाईलैंड ट्रांजिट वीजा के बारे में बात करूंगा। तो मैं थाईलैंड 3 बार गया हूं, एक बार गया हूं थाईलैंड टूरिस्ट वीजा पे, एक बार गया हूं थाईलैंड ट्रांजिट वीजा पे, एक बार गया हूं वीजा ऑन अराइवल पे। तो इन तीनों वीजा के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं वीजा ऑन अराइवल के बारे में, फर्स्ट नंबर। तो गाइस वीजा ऑन अराइवल में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आप फ्लाइट लो और थाईलैंड में एंट्री लो। उसके बाद वहां पे आपको वीजा अराइवल का फॉर्म मिलेगा, उस वीजा अराइवल का फॉर्म को फिल करो, अपने फोटोग्राफ डाल दो एंड उसके अलावा आपको कुछ कुछ देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपको शो करने होंगे। वो मांग सकते हैं वो फ्लाइट टिकट और एकोमोडेशन जो आप वहां रहने वाले हो, और 10,000 baht लोकल करेंसी में या फिर आप डॉलर में भी रख सकते हो। अगर आप ये दोनों नहीं रखना चाहते तो आप अपना जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड वगैरह रख सकते हो उसकी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आप लेके जाना, वो लोग पूछ सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट से वीजा अराइवल का काफी सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस है। थोड़ी लंबी लाइन अभी चल रही क्योंकि वीजा अराइवल फी है, तो 2000 जो बात जो कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 4500 रुपए बनते हैं वो अभी चल रहा है फ्री। तो अगर वीजा अराइवल अभी फ्री चल रहा है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि अभी जाके आप वीजा अराइवल लो, टूरिस्ट वीजा अप्लाई मत करो, ट्रांजिट वीजा अप्लाई मत करो। बट जब मैं गया था पहली बार 2018 में, अक्टूबर 2018 में फ्री वीजा नहीं चल रहा था, तो मैं अपना वीजा लेके गया था। और गाइस अगर आप वीजा अराइवल लैंड के थ्रू लेना चाहते हो तो थोड़ा आप थोड़ा सतर्क रहें, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं। आई बटन पे मैं आपको एक दे रहा हूँ जो कि मुझे रिपोर्ट कर दिया गया था कंबोडिया बॉर्डर से, उसको आप देख लेना, आपको ज्यादा आइडिया रहेगा अगर आप जा रहे हो थाईलैंड तो। लेकिन उसके अलावा अगर आपको चाहिए वीजा इंडिया में तो आप कैसे ले सकते हो, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो मैं इंडिया में वीजा 2 बार लिया हूँ, एक बार लिया हूँ टूरिस्ट वीजा, एक बार लिया हूँ ट्रांजिट वीजा। तो सबसे पहले बात करता हूँ टूरिस्ट वीजा के बारे में। सबसे अच्छी बात क्या होगी टूरिस्ट वीजा लेने पर कि आप थाईलैंड में रह सकते हो 2 महीने, लेकिन अब जब जाओगे वीजा अराइवल पे तो सिर्फ रह सकते हो 15 दिनों के लिए। तो इसलिए मैं थाईलैंड गया था 2 महीनों के लिए पहली बार, इसलिए मैं टूरिस्ट वीजा लेके गया था। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए टूरिस्ट वीजा के लिए, आप इंडिया में अप्लाई डायरेक्टली एम्बेसी में नहीं कर सकते हो, आपको जाना पड़ेगा VFS के थ्रू। और सबसे अच्छी बात इस VFS की क्या है कि वो जो फी सिर्फ चार्ज करती है 215 रुपए है। मैंने चाइना वीजा के लिए 1800 रुपए दिया था और रशिया वीजा के लिए 1500 रुपए के आसपास लेते हैं, बट ये थाईलैंड वीजा के लिए वो सिर्फ 215 रुपए लेते हैं, 215 रुपीज। तो फास्ट फास्ट रिकैप करते हैं डॉक्यूमेंट्स। पासपोर्ट चाहिए आपकी, 6 मंथ वैलिडिटी, 2 blank pages एंड देन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको VFS के वेबसाइट पे फिल करनी होगी, 2 recent photographs, आपको फोटोग्राफ चाहिए 3.5 x 4.5 cm, होटल बुकिंग चाहिए जितने दिनों के लिए आप वीजा मांग रहे हो, हालांकि आप 10 दिनों का मांगो या 15 दिनों का मांगो आपको वीजा मिलेगा जनरली 3 महीने का आपकी जो वैलिडिटी पीरियड रहेगी वीजा की, और आप उस 3 महीनों में आप रह सकते हो 2 महीने। होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए जाने और जाने की, ठीक है, आने जाने की फ्लाइट टिकट चाहिए थाईलैंड इंडिया से थाईलैंड और थाईलैंड से इंडिया या कहीं भी जा रहे हो आप। आपको या तो शो करना पड़ेगा बैंक बैलेंस जो कि एटलीस्ट 50,000 रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, आपको अपना बैंक बैलेंस शो करना पड़ेगा। अगर आप बैंक बैलेंस शो कर रहे हो तो आपको अपना बैंक से स्टाम्प लगवाना पड़ेगा और साइन करवाना पड़ेगा अपने बैंक स्टेटमेंट का। अगर आप शो करोगे उनको कि मैंने कुछ करेंसी खरीदे हैं, तो आप अगर आप कुछ करेंसी खरीदते हो तो अगर आप $700 की करेंसी खरीदते हो $700, तो आप उनको जो रसीद मिलती है ना, उस रसीद को आपको उनको उसको सबमिट करना होगा, या तो फिर आप दे सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जो कि एटलीस्ट 50,000 उसकी लिमिट होनी चाहिए, और बस 2500 रुपए इसकी वीजा फी है और 215 रुपए आपकी हो गई VFS की फी। ये सब शो कर दोगे आपका वीजा 2 दिनों में आ जाता है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए। तो आज अप्लाई करोगे तो परसों मान के चलो आ जाता है, मेरा 2 बार मैंने कलकत्ता से अप्लाई किया था VFS कोलकाता से, और मेरा दोनों बार वीजा 2-3 दिनों के बाद आ गया था। तो दूसरी बार मैंने अप्लाई किया था ट्रांजिट वीजा के बारे में। ट्रांजिट वीजा ये होता है कि आप मैं थाईलैंड जा रहा हूं बट एज ए ट्रांजिट, सो मैं इंडिया से थाईलैंड गया और थाईलैंड से किसी दूसरे कंट्री, आप वापस इंडिया नहीं आ सकते ट्रांजिट वीजा से, याद रखना आप। तो ट्रांजिट वीजा तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आप थाईलैंड के थ्रू किसी दूसरे कंट्री जा रहे हो, या आप मलेशिया से थाईलैंड आ रहे हो, थाईलैंड से इंडिया आ रहे हो, आप इंडिया से थाईलैंड, थाईलैंड से इंडिया नहीं कर सकते, या फिर अपोजिट वे मलेशिया टू थाईलैंड, थाईलैंड टू मलेशिया नहीं कर सकते ट्रांजिट वीजा में, टूरिस्ट वीजा में आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट सारे कुछ सेम ही है, आपको सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट देना होगा कि थर्ड कंट्री जो जा रहे हो, मान के चलो आप मैं इंडिया से गया थाईलैंड और थाईलैंड से गया मलेशिया, तो मुझे मलेशिया का वीजा दिखाना पड़ेगा, तो ये वीजा आपको जो थर्ड कंट्री का वीजा होता है वो दिखाना पड़ता है बस। उसके अलावा डॉक्यूमेंट सब कुछ सेम है,
और वीजा उसमें भी 2 दिनों में मेरा आ गया था। तो थाईलैंड का वीजा काफी आसान है, उतना डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं मांगते, कोई ITR कोई कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ दिखाना होगा 50,000 रुपए का बैंक स्टेटमेंट। मेरे केस में मेरे पास उतने पैसे अकाउंट में नहीं थे, तो मैंने अपने पापा का दिखाया था बैंक स्टेटमेंट। एंड एक चाहिए स्पॉन्सरशिप लेटर, तो आपको अपने पापा से स्पॉन्सरशिप लेटर लिखवाना पड़ेगा और साइन उनके से करवाना पड़ेगा। अगर या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, पापा मम्मी जो भी कोई पेरेंट्स, तो वो स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा आपके लिए। और आप माइनर हो तो भी अप्लाई कर सकते। जब मैं पहली बार थाईलैंड गया था तो उस समय 17 साल का था, तो मैंने अप्लाई किया था, तो उस समय मुझे एक NOC देना पड़ा था थाईलैंड के लिए, नॉन ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम फादर। तो NOC होता है कि पेरेंट्स की तरफ से लाइक कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप अकेले जा रहे हो। 16 साल से 18 साल के बीच ये लेटर चाहिए होता है। अगर 16 साल से पहले आप नहीं जा सकते अकेले, बहुत सारे कंट्री का रूल होता है। तो ये थी थाईलैंड की इन्फॉर्मेशन, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।